वेलकम, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अक्षय कुमार और निर्देशक एक बार फिर साथ जुड़ने वाले हैं। अब निर्देशक ने इसे कंफर्म भी कर दिया है। अब फैंस भी लंबे समय से कॉमेडी फिल्म देखना चाह रहे थे। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने हेरा फेरी, भूल भुलैया, भागम भाग, गरम मसाला जैसी जबरदस्त कॉमेडी फिल्में दी हैं। दोनों की जोड़ी सुपरहिट रही है, लेकिन लंबे समय से डेट्स की वजह से यह साथ नहीं आ पा रहे हैं। वहीं हम आपको यह भी बता चुके हैं कि अजय देवगन को भी यह फिल्म ऑफर हुई, लेकिन उन्हें अपना रोल अक्षय की तुलना में छोटा लगा, जिस कारण से अजय ने यह फिल्म छोड़ दी। लेकिन कुछ लेटेस्ट खबरों की माने तो इस फिल्म में अजय देवगन की भी एंट्री हो सकती है। अगर यह सच हुआ तो फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं होगा। जहां 2000 में रिलीज हुई हेरा फेरी ऐसी फिल्म थी जिसने अक्षय कुमार की किस्मत बदल दी थी। इस फिल्म के बाद से अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग के फैंस जबरदस्त तरीके से दीवाने हुए, और फिर से उनको अजय देवगन के साथ देखकर तो फैंस के लिए कोई ट्रीट से कम नहीं है। बता दें कि हेरा फेरी के आखिरी सीन को यूं ही खुला छोड़ दिया गया था और दर्शकों को तभी से पार्ट 3 का हिंट दे दिया गया था, लेकिन इस बात को काफी साल बीत चुके हैं। अब हाल ही में नडियाडवाला ने हेरा फेरी की रिलीज के 21 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अब फिर से फिरोज नडियाडवाला ने फैंस के लिए एक शानदार खुशखबरी भी दी थी। नडियाडवाला ने साफ किया है कि वो और भी हेरा फेरियों का प्लान कर रहे हैं और इन फिल्मों में ज्यादा अंतर नहीं होगा। वो हेरा फेरी 2 और 3 के बीच इतने लंबे समय के अंतराल की भरपाई हेरा फेरी 3 और हेरा फेरी 4 के साथ करेंगे। इस फिल्म में बाबू राव यानी कि परेश रावल, राजू, अक्षय कुमार और श्याम सुनील शेट्टी अहम किरदार में नजर आए थे। यह फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही कि इसका दूसरा पार्ट साल 2006 में फिर हेरा फेरी बनकर रिलीज हुआ। अब लोगों की इतनी हाई डिमांड पर अब देखने वाली बात यह है कि मेकर्स इस फिल्म का तीसरा पार्ट कब तक लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।